सब क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन डिवीजन वन कोतवाली लुधियाना पुलिस ने एक स्नैचर्स के गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने कि लुधियाना में काफ़ी सारी स्नैचिंग की वारदातें, जिनमें मोबाइल स्नैचिंग, पैसे स्नैच करने की इस तरीके की वारदातें की हैं। तकरीबन हमारे इससे 22 के करीब मुकदमे इससे ट्रेस हो रहे हैं, और जिन केसेस में FIR रजिस्टर्ड नहीं है, कई बार मोबाइल की कीमत इतनी कम होती है कि लोग FIR नहीं कराते, उनको हम लोग बुलाकर मोबाइल बाहर से दे देंगे, और जिन केसेस में FIR दर्ज है उसमें हम लोग कोर्ट के थ्रू प्रोसेस जल्दी करवा के लोगों को मोबाइल वापस कर देंगे। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तीनों लोगों का, जो बिंदर, सनी और बिहारी, ये लाल बिहारी, ये लोग आपस में साथी हैं, और ये मोटरसाइकिल पर इतने एक्सपर्ट हैं कि ये जाते हैं, चलते चलते ही जो ड्राइवर है वो पीछे की सीट पर बैठ जाता है, पीछे वाला ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है, और मोबाइल स्नैच करने में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। पहले भी इनके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, और इनसे हमें तकरीबन 22-21 की तरह करीब मोबाइल बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, बाकी की पूछताछ इनसे जारी है। बाइक जो वो भी हैं, वो भी बाइक के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नहीं दिखाए, वो भी चोरी की ही हैं। कितने मोबाइल? इसमें 21 मोबाइल अभी तक में बरामद हुए हैं, बाकी इनकी और पूछताछ जारी है। सर, की ग्रुप कैसा बनाया? इनका जो ग्रुप है, ये जेल में भी रहे हैं, और जो जिनकी जो हैबिट्स हैं स्नैचिंग की, उस हैबिट से भी ये लोग साथ में आए हैं। इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एकदम चोरी करते करते ही, स्नैचिंग करते करते ही इनका ग्रुप बना है। तो ये पर्टिकुलर एरिया टाइम के दौरान ये स्नैचिंग करते थे या ये जो स्नैचिंग्स करते थे, ये लेबर, जो फैक्ट्री की लेबर, जब फैक्ट्री जा रही होती है या आ रही होती है, उन लोगों से मोबाइल स्नैच करते थे, जिसमें कि खासकर जो अपना लुधियाना का जो डिवीजन 6 का एरिया है, डाबा एरिया है, शिमलापुरी एरिया है, विश्वकर्मा जो एरिया है, चौक है, और ये अपना फोकल पॉइंट एरिया है, वहाँ पर ये लोग ज़्यादा अपना शिकार बनाते थे। सर जी, ये स्नैचिंग करके इसका आगे क्या करते थे? ये स्नैच करके मोबाइल का पहले अपना एक, इन्होंने एक आदमी रखा हुआ था दुकान वाला, उससे पहले लॉक उसका खुलवाते थे, और लॉक खुलवा के ये फिर उस मोबाइल को आगे बेच देते थे। जो आदमी, हाँ, अगर उस लॉक वाले को हम लोग अभी उसकी कर रहे हैं छानबीन, और अगर उसकी कसूर मिलेगा तो उसकी भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, लुधियाना में महिला गैंग भी जो लूटपाट कर रही है, इसमें अभी पीछे 3-4 दिन पहले एक आदमी के साथ में वो महिलाओं ने जो वारदात की थी, ये सांसिन गैंग है, एक अपना संगरूर साइड का है, उसमें उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी छापेमारी के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जल्दी उनको भी हम लोग काबू कर रहे हैं। ये दरेसी पुलिस स्टेशन ने एक जो 2-व्हीलर चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके कि 2 मेंबर गिरफ्तार किए हैं, और इनमें से जो ये जो मेंबर हैं, ये अभी तकरीबन 1 महीने 10 दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं, और तकरीबन हर दूसरे दिन ये एक मोटरसाइकिल चोरी कर रहे थे, और उस मोटरसाइकिल को चोरी करके ये लगभग कौड़ियों के भाव बेच देते हैं, 1,000 रुपये से लेके 2,000 रुपये के बीच में ही ये कबाड़िए को बेच देते हैं, जो आगे उसको डिसमेंटल करके या किस तरीके से उसको बेचता है। इस गैंग के खिलाफ पहले भी चोरी के मुकदमे, कार चोरी वगैरह के मुकदमे दर्ज हैं, और अभी 1 महीने से जब से जमानत पे आए हैं, उसके बाद इन्होंने दोबारा मोटरसाइकिल चोरी करने का काम चालू कर दिया। तकरीबन इन्होंने अभी तक 11 वारदातें मोटरसाइकिल की और स्कूटी वगैरह चोरी करने की मानी है। इनसे 1 3-व्हीलर, 1 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा बरामद हुई है, बाकी की पूछताछ हम इनसे कर रहे हैं।